हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर नेट के एग्ज़ाम की और एचटेट पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए और एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 13, और अगर आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 3। क्लियर? तो इसके 9 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम 10th पार्ट में दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है को ब्रांडिंग एंड दूसरी टर्म है इंग्रीडियंट ब्रांडिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांड ही क्या होती है। को ब्रांडिंग, ब्रांड ही क्या होती है? ब्रांड इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम नोन सोर्स। ब्रांड का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके सोर्स का, जिसकी कंपनी का आपको पता हो कि ये उस कंपनी का है, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। क्लियर? जैसे अगर आप किसी के हाथ में फ़ोन देखेंगे तो फ़ोन के ऊपर जो एक ब्रांड का नाम लिखा होगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये फ़ोन किस कंपनी का है। इसके सोर्स का, उसके सोर्स का पता चल जाएगा कि भाई किस फर्म का या किस कंपनी का ये है। आप एप्पल का लोगो देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि भी ये फ़ोन किसका है, एप्पल का। तो आपको उस प्रोडक्ट के सोर्स का पता चल गया कि भी ये किस सोर्स से आया है, किस कंपनी से आया है, किस कंपनी का है। तो जब प्रोडक्ट का हमें ये पता चल जाए कि भी इसका सोर्स क्या है, किस कंपनी का है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। क्लियर? तो को ब्रांडिंग की अगर हम बात करें, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, को ब्रांडिंग दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिलके ब्रांडिंग करते हैं तो उसे बोला जाएगा को ब्रांडिंग। टू और मोर वेल नोन ब्रांड्स, जब दो या दो से ज़्यादा वेल नोन ब्रांड्स, कैसी ब्रांड्स, वेल नोन, जो जानी मानी ब्रांड्स हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंबाइन हो जाती हैं और या तो कोई जॉइंट प्रोडक्ट बनाती हैं या मार्केटिंग इस तरीके से करती है कि वो को ब्रांडिंग हो जाए, मार्केटेड टुगेदर इन सम फैशन। दो या दो से ज़्यादा जानी मानी ब्रांड्स जब मिलके या तो कोई जॉइंट प्रोडक्ट को बनाएं या फिर मार्केटिंग एक साथ मिलके करें, तो उसे हम बोलते हैं को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग को ड्यूअल ब्रांडिंग और ब्रांड बंडलिंग भी बोला जाता है। यही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा ड्यूअल ब्रांडिंग किसे कहते हैं या ब्रांड बंडलिंग किसे कह सकते हैं। आपने जो लोकल बुक्स में अगर टर्म सुनी होगी तो वो को ब्रांडिंग तक सुनी होगी। इनके जो अदर नेम्स हैं, ड्यूअल ब्रांडिंग और ब्रांड बंडलिंग का नाम ही नहीं सुना होगा। तो ड्यूअल ब्रांडिंग और ब्रांड बंडलिंग भी किसको कहा जाता है? को ब्रांडिंग के ही अदर नेम्स हैं, को ड्यूअल ब्रांडिंग एंड ब्रांड बंडलिंग। क्लियर? तो इससे हमें क्या समझ आया, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स, ब्रांड्स मिलके एक साथ किसी जॉइंट प्रोडक्ट को बना के उसकी मार्केटिंग करती है या दोनों ब्रांड्स इस तरीके से मार्केटिंग करती है कि दोनों मिलके मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसे बोलते हैं को ब्रांडिंग। अब को ब्रांडिंग के हम फॉर्म्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आप को ब्रांडिंग कर सकते हैं। को ब्रांडिंग करने को चार तरीके हैं। फर्स्ट है सेम कंपनी को ब्रांडिंग। सेम कंपनी को ब्रांडिंग का क्या मतलब है? एक कंपनी जो अपने ही प्रोडक्ट्स को, जो अपने ही दो रिलेटिव प्रोडक्ट्स को एक तरीके से या एक साथ मार्केटिंग करती है, तो उसे हम बोलते हैं को ब्रांडिंग। क्योंकि अब वो दो कंपनीज तो है नहीं कि मिलके कुछ बना देगी, तो यहाँ सेम कंपनी को ब्रांडिंग में क्या करेगी, एक कंपनी अपने दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक साथ मार्केटिंग करेगी, तो उसे भी क्या बोला जाएगा, को ब्रांडिंग। दूसरा है जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग। जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग का क्या मतलब है? जब दो वेल नोन ब्रांड्स, दो जानी मानी ब्रांड्स मिलजुल के एक जॉइंट प्रोडक्ट बनाएंगी और उसकी मार्केटिंग करेंगी, उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिताची, जो जापान की कंपनी है, इन्होंने मिलके एक लाइट बल्ब्स को बनाया और उसको मार्केटिंग करी। तो ये कैसा था? दो कंपनीज मिली, उन्होंने एक जॉइंट प्रोडक्ट बनाया, लाइट बल्ब बनाया और उसकी मार्केटिंग करी, उसे हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर को ब्रांडिंग। थर्ड है मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ जो ब्रांडिंग होगी वो मल्टीपल स्पॉन्सरशिप से होगी। मल्टीपल का मतलब है जब दो से ज़्यादा ब्रांड्स मिलके
ब्रांडिंग करें या कोई जॉइंट प्रोडक्ट बनाएं उसे हम बोलेंगे मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। जैसे टेलीजेंट एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है जिसे किसने बनाया था, एप्पल, IBM और मोटोरोला, तीनों कंपनीज ने मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा टेलीजेंट। तो इस टाइप की जो ब्रांडिंग है, जब दो से ज़्यादा ब्रांड्स मिलके या कंपनीज मिलके एक जॉइंट प्रोडक्ट बनाए उसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। फिर है रिटेल को ब्रांडिंग। ये वाली ब्रांडिंग जो को ब्रांडिंग है ये रिटेल लेवल पे की जाती है, जब रिटेलर्स आपस में मिलके ब्रांडिंग करते हैं दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए उसे हम बोलते हैं रिटेल को ब्रांडिंग। जैसे KFC और पिज़्ज़ा हट ने सेम लोकेशन को चूज़ कर लिया, एक लोकेशन ले ली, वहीं पिज़्ज़ा हट भी आपको मिल रहा है, साथ में आपको KFC भी मिल रहा है, तो दोनों की यहाँ ब्रांडिंग कैसी हो रही है, को ब्रांडिंग। क्लियर, इसे हम बोलेंगे रिटेल को ब्रांडिंग। ये था हमारा को ब्रांडिंग का टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट में कोई पार्ट्स या हम कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स या मटीरियल यूज नहीं होता, होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार की बात करें तो कार में आपके पास टायर्स भी हैं, सीट्स भी हैं, आपके पास हम कह सकते हैं उसका स्टीयरिंग भी है, उसका जो बॉडी है वो भी है, तो ये इंग्रेडिएंट्स से मिलके हमारी कार बनती है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो मटेरियल है, ये जो पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, क्या ये सब एक ही कंपनी के होते हैं? कार तो मान लो ये BMW की है, तो क्या ये सारे कंपोनेंट्स भी BMW बनाती है? नहीं, ये सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। जैसे मान लो हम टायर्स की बात करें तो ये MRF के कंपनी के हो सकते हैं, सीट किसी और कंपनी की हो सकती है, इनको कंबाइन करके ज्वाइन करके कार बनाता है BMW। तो ये जो मटेरियल है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, जब इसकी भी ब्रांडिंग हम इसको भी एक नेम दे दें और ये भी जानी मानी ब्रांड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग क्रिएट्स ब्रांड इक्विटी फॉर, इससे क्या होता है, ब्रांड बनती है किसके लिए, मटेरियल्स के लिए, कंपोनेंट और पार्ट जो किस में यूज किए गए हैं, दैट आर कंटेंड विद इन अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो किसी अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, उन मटेरियल कंपोनेंट्स या पार्ट्स की, इंग्रेडिएंट्स की जब हम ब्रांड बनाते हैं या ब्रांडिंग करते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं, ब्रांड बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग उन प्रोडक्ट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी खुद की जो ब्रांड है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो वहां अपने ब्रांड के लिए अगर इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग का यूज कर रहे तो वहां वो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, और ये सिग्नल भी दे सकते हैं कि भी उनका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब इंटेल का प्रोसेसर आता है, इंटेल का प्रोसेसर आता है तो इंटेल ने जो प्रोसेसर है तो एक पार्ट, क्योंकि आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप में जो एक प्रोसेसर है वो एक पार्ट है उसका, उसके साथ कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्क्रीन भी होती है, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट लगा है प्रोसेसर के फॉर्म में जिसका नाम है इंटेल। तो इंटेल अपने आप में यहाँ क्या है, एक पार्ट है, कंपोनेंट है, मटेरियल है जो किस में यूज़ किया गया है, लैपटॉप में। तो इसे, और इसका ब्रांड भी, नेम भी है, आप इंटेल के नाम से ही उसे जानते हैं, आपको पता है ये जो प्रोसेसर है किस कंपनी का है, इंटेल का, तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है। अब मान लो डेल है, HP है, ये ब्रांड्स तो कैसी हैं, हाईफाई या इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है, इनकी ब्रांड खुद में ही स्ट्रांग है, तो इन्हें इंटेल इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग का यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई थर्ड ब्रांड आ जाती है लैपटॉप की, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, अगर वो इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रही है और इंटेल का प्रोसेसर यूज करके भी वो जो ब्रांड इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई अपने नाम से, वो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग की हेल्प से अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट भी कर सकती है और अपनी क्वालिटी परफॉर्मेंस का भी सबूत दे सकती है कि भी हम इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो वहां जो हमारी बात करें, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग यूज होती है उन प्रोडक्ट्स के केस में जिनकी खुद की ब्रांड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अब हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि भी अगर आपको इंग्रेडिएंट ब्रांड करना है, आपका कोई मटेरियल है, पार्ट है, कंपोनेंट है जो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, उसकी अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो सबसे पहले तो कंज्यूमर्स के माइंड में ये बिलीव होना चाहिए, कंज्यूमर्स ये बिलीव करें कि भी इंग्रेडिएंट की वजह से ही जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है या जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसमें वो यूज़ हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और सक्सेस
उसी पे डिपेंड कर रही है। मतलब उन्हें इंग्रेडिएंट की इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले आपके कस्टमर को ये बिलीव होना चाहिए कि भाई इंग्रेडिएंट की वजह से ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, वो सक्सेसफुल काम कर रहा है, तभी इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग काम करेगी। दूसरा, आपके कंज्यूमर को ये लगना चाहिए कि भी सारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे नहीं होते, इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भी इंटेल से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम क्वालिटी के होते हैं, तो आप बेशक अपने लैपटॉप में कोई भी उसे प्रोसेसर डाल के दे दे तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब कस्टमर को ही नहीं लग रहा कि भी इंग्रेडिएंट्स अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और उनमें डिफरेंस होता है, तो आप कोई भी डाल के दे दें, वहाँ आप इंटेल लिख रहे हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इंटेल से, क्योंकि उसने माना है कि भी सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है, सेम क्वालिटी के होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एक तो उसे ये लगना चाहिए कि भी इंग्रेडिएंट एक मेन पार्ट है, उसी की वजह से उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा, इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग होते हैं, उनकी भी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। तीसरा, आपकी जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए आपको कोई लोगो या कोई साइन असाइन करना पड़ेगा जो हर एक उस प्रोडक्ट पे दिखे जिसमें वो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है। जैसे अगर आप डेल का लैपटॉप लेने जाएंगे तो उस पे इंटेल इनसाइड करके एक आपको स्लिप दिखेगी, वो स्लिप साइड में लगी होगी जिससे कस्टमर को पता चलता है कि इसके अंदर इंटेल का ही प्रोसेसर यूज किया गया है। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग तब होती है जब आपके प्रोडक्ट पे जिसमें वो यूज हुआ है उस पे कोई लोगो या साइन के थ्रू वो दिखाया गया हो, कस्टमर भी ये मानता हो कि भी इंग्रेडिएंट भी अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं उनका भी, और उनका तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस पे और सक्सेसफुल कहते हैं काम करने पे हमारे प्रोडक्ट के इफेक्ट पड़ता है। ये था हमारा को ब्रांडिंग और इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ दिशा क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए मुझे इतना टाइम डिवोट करना पड़ता है, और मैं तो आपको ये बोलूँगी अगर आपको YouTube पे किसी का भी कंटेंट या टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और उनकी वीडियोस को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम अपना इतना कीमती टाइम डिवोट करके आपके लिए वीडियोज़ या मैटर को प्रिपेयर करते हैं। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए, और अगर इन रिटर्न फीडबैक अच्छा आता है, आपको कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं या आपकी वीडियोज़ वायरल होती हैं कि भी लोगों तक पहुंचती हैं जिनको असली में नीड है, जब आपका चैनल ग्रो करता है तो आपको अच्छा लगता है। और सीरियसली मैं उनको बहुत थैंकफुल हूं जो वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं। प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें दिशा क्लासेस को।